नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य ईएफएम। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम, ईएफएम पेपर प्रथम में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता बुक के अंतर्गत यूनिट संख्या फोर्थ चैप्टर प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रकृति के स्वरूप में पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न या पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत प्रकृति एवं वन संरक्षण के बारे में पूर्व के कक्षाओं में आपने अध्ययन किया था, उन्हीं से संबंधित ये चैप्टर है। प्रकृति मनुष्य को अनेक प्रकार की वस्तुएं निःशुल्क में प्रदान करती हैं, जिसमें वन संपदा, भूमि खनिज संपदा और समुद्री संसाधन, जलवायु, वर्षा के माध्यम से प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क उपहार के रूप में मानव जाति को विभिन्न लाभ या विभिन्न रूप में लाभान्वित करती है और प्रकृति का मानव ही विदोहन कर रहा है। प्रकृति के साथ विदोहन या वन संरक्षण, वनों की निरंतर कटाई हो रही है, जिससे प्रकृति अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के सोर्स या विभिन्न प्रकार का संतुलन बनाए रखने में प्रकृति सक्षम भी है। पर्यावरण संरक्षण के द्वारा चलाए जाने वाले सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम हैं, जिसमें मुख्यतया विभिन्न कार्यक्रमों में हम इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों में जो भूमि है, जल खनिज संपदा, वन संपदा और समुद्री संसाधन वर्षा प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में किसी भी देश के आर्थिक विकास के स्तर को निर्धारित करने के लिए प्राकृतिक संसाधन का तेजी से विकास भी हुआ है। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नीति व कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए, जो भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरणीय वनों से संबंधित कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका संरक्षण और विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय करना और उन्हें लागू करने के लिए एक केंद्रीय स्तर पर एक संस्था का गठन किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के रूप में भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, ये कार्यक्रम मुख्यतया अहम भूमिका का निर्वहन भी करते हैं, जो कि यूएनईपी एवं समग्र पर्वतीय विकास के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के रूप में यह कार्यक्रम सहायक रहा है। एक प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण भी है, क्योंकि जब राष्ट्रीय संरक्षण की व्यूह रचना बनाई गई 1992 के अंतर्गत, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनाएगी, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत राष्ट्रीय वन नीति की घटना गठित हुई और प्रदूषण नियंत्रण नीति स्टेटमेंट 1992 में बनाया गया, जो प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए 1992 में एक
संगठन या एक स्टेटमेंट या प्रदूषण नियंत्रण नीति 1992 का गठन किया गया। ये भी एक प्रकृति को रोकने के विधोन के लिए एक प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, जो भी प्रकृति के द्वारा जो लो सोर्स हैं उनका भी एक सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो 1980 में इनको पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया गया, जो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ZSI द्वारा क्रियान्वित किया गया। एक राष्ट्रीय संरक्षण नीति भी बनाई गई, राष्ट्रीय संरक्षण नीति। इस नीति के द्वारा भी वन या पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के आयाम, जो जून 1992 में इसको गठन भी किया गया, जून 1992 में इसका क्रियान्वयन किया गया। एक जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का गठन किया गया, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र को भी शामिल किया गया। इसके द्वारा भी जो जैविक पदार्थ हैं उनको, सूक्ष्म जीवों को एकता व समन्वय बनाने के लिए इसके जोन की स्थापना की गई, जो आंध्रभूमि कच्छ वनस्पतियां आदि भित्तियों में भी इनका एक महत्वपूर्ण तरीके से योगदान रहा है। और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न आयामों की हम बात करें तो वन नीति व कानून बनाया गया 1894 में। वन नीति व कानून के अंतर्गत भी एक महत्वपूर्ण है, वन नीति व कानून, वन नीति कानून के द्वारा वनों के अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए गए, जिससे वनों को आसानी से हम बचा सकें। अगले पॉइंट में वन्य जीवन को करने के लिए पर्यावरण के अंतर्गत वन्य जीवन या पर्यावरण को, प्रकृति को बनाए रखने के लिए वन्य जीवन में अनेक प्रकार के वनों को भी विस्तार किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं को जंगल में पर्यावरण संरक्षण या प्रकृति को बनाए रखने के लिए क्रियान्वित किया गया। और भी है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, भारतीय पशु बोर्ड कल्याण का भी एक पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो पशु हैं उनकी देखभाल के लिए एक सही तरीके से 1962 में इनका क्रियान्वयन किया है, जिससे 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस भी ये मनाया जाता है, जिसको बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पर्यावरण के प्रभाव का भी एक पूर्ण रूप से आंकलन किया गया, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैसा कि आप पढ़ते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत भी निधि उपयुक्त प्रावधान रखे गए, जिसके माध्यम से प्रकृति को या पर्यावरण संरक्षण को आसानी से हम बचाने में सक्षम हैं। एक प्रदूषण की रोकथाम के लिए नियमन नियंत्रण करना, जिसमें ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को आसानी से रोक सकें। एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया गया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत के द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक, जिसके माध्यम से प्रदूषण को रोकना, किस प्रकार से प्रदूषण को रोका जाए उनको सम्मिलित किया गया, जो कि 1974, 77, 81 और 86 के अंतर्गत 61 उद्योगों को इसमें शामिल किया गया। दिल्ली वायु प्रदूषण संभावित संसाधन, दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी सरकार ने विभिन्न प्रकार के जो भी है रूल्स रेगुलेशन लागू किए गए, जिससे प्रदूषण को रोक सकें, जिसमें विभिन्न प्रकार के टर्म्स कंडीशन को लागू भी किया गया। एक खतरनाक पदार्थों पर प्रबंध करना, जो खतरनाक पदार्थ हैं जो कि प्रकृति को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, तो खतरनाक जो पदार्थ है, खतरनाक पदार्थों का प्रबंध करना, खतरनाक पदार्थों के अंतर्गत मुख्यतः हम बात करें तो वो जैविक जो उर्वरक चीज़ हैं उनको नष्ट कर देते हैं जीव जंतुओं को, खतरनाक पदार्थों को भी रोकथाम
दिया गया, जो विभिन्न अधिनियम 1989 के अंतर्गत उनको क्रियान्वयन किया गया। एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया 1985 में, क्योंकि गंगा नदी में अवशिष्ट पदार्थों की वजह से गंगा को अशुद्ध नजर आया, परंतु 1995 के बाद में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के तहत गंगा को भी काफ़ी पवित्रता, साफ सफाई कार्यों में लगभग काफ़ी करोड़ों रुपए, 64 करोड़ रुपए तक का भी विनियोग इसमें किया गया। एक राष्ट्रीय वानिकी एवं परिस्थितिकीय विकास बोर्ड की स्थापना की गई 1985 में, जो कि 1992 से सक्रिय रूप से ये भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। एक पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रम की हम बात करें, पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रमों में मुख्यतया मानव जीव मंडल और पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रम, पूर्वी व पश्चिमी अनुसंधान कार्यक्रमों को भी इनमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के संस्थान के द्वारा भी, जिसमें जीबी पंथ हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान के द्वारा भी एक उपयुक्त रूप से प्रकृति को बचाने के लिए सिक्किम और नागालैंड, हिमाचल प्रदेश आदि संस्थाओं की कायम में भूमिका निर्वहन करती है। एक वानिकी अनुसंधान का भी गठन किया गया। वानिकी अनुसंधान में वनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के सोर्स को एक रिसर्च के माध्यम से आसानी से, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा किया गया, जो कि भोपाल के अंतर्गत ये भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान गठन किया गया। वन्य जीवन अनुसंधान भी इसमें क्रियान किया, जो वन्य जीवन से संबंधित है, उनसे संबंधित प्राकृतिक चीज़ों का विदोहन न हो, पर्यावरण संरक्षण को बचाए रखे, तो वन्य जीवन अनुसंधान की भी अहम भूमिका रही है। शिक्षा, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली, राष्ट्रीय जो प्राकृतिक है, राष्ट्रीय प्राकृतिक अनुसंधान प्रणाली को भी एक पर्यावरण संरक्षण के रूप में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जो भी प्राकृतिक के अनुसंधान, प्राकृतिक के सोर्स हैं, उनको क्रियान्वयन, एक शिक्षा जागरूकता व सूचना की एक भूमिका, शिक्षा जागरूकता प्रणाली की भी इसमें एक अहम भूमिका रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर शिक्षा के द्वारा भी अपने वन्य जीवन को आसानी से बचा सकते हैं। अगला है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा भी गठन किया गया, जो कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के द्वारा भी महत्वपूर्ण सहायक किया गया। एक पर्यावरण सूचना प्रणाली भी गठन की गई 1982 में, और विभिन्न प्रकार के फॉलोशिप पुरस्कार के माध्यम से भी पर्यावरण संरक्षण के लिए रिसर्च, इंदिरा गांधी पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार और पर्यावरण वन्य मंत्रालय विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार और पीताम्बर संत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप पुरस्कार के माध्यम से भी एक जैव विविधता को सहयोग करने के लिए एक पर्यावरण संबंधी कानून भी बनाए गए। जो कि पर्यावरण संरक्षण को आप आसानी से रोक सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण कानून में 1982, 1972, 1974, 1981, 1985 के अंतर्गत इसका गठन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को रोकने के लिए, पर्यावरण का विदोहन करने के लिए सरकार के द्वारा ये कानून बनाया गया, जो उनको आसानी से हम प्रकृति के रूप में बचा सकें। एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का गठन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दक्षिण एशिया पर्यावरण संरक्षण के आधार पर इनका गठन किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से है। ओजोन प्रकोष्ठ का गठन, ओजोन प्रकोष्ठ भी एक अहम भूमिका रही निभाई है, जो 1985 में एक अहम तरीके से, या 1985 में ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों का समझौता हुआ, जो 1997 में मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव पारित हुआ और 92 में लंदन संशोधन करके सम्मिलित हुआ। तो इस प्रकार मंत्रालय, विभिन्न एजेंसियों, विभिन्न पर्यावरण संरक्षणों, वानिकी के अनेक देशों में स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मन में इन कार्यक्रमों को द्विपक्षीय आधार पर अनेक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, JDA, ब्रिटेन से सहायता इनकी
मिलती रही। तो इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम रहे जिनको हम प्रकृति या पर्यावरण को बचाने में एक सक्षम एवं सार्थकता भूमिका रही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिला और बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।